हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के चैप्टर 3 का पार्ट 1। तो इस पार्ट में हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी चैप्टर 3 के, वे सारे को हम लोग आज कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। लेसन जो आज का हमारा है वो 3rd लेसन है। हम लोगों ने 1-2 लेसन कर लिया। अगर आपने 1st यानी लेसन और 2nd लेसन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे डाल दिया है, जो कि पार्ट 1 है। और जो क्वेश्चन टाइप रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट में। उसके बाद अब तक आपने अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है BBP हेल्प नाम से वहाँ पे नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं सारे क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर डाल दिया जाता है, ताकि आप क्लास को वहाँ पर आसानी से क्लास में जुड़ सकें। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है ये आज का हमारा। चलिए, जो आज का जो चैप्टर का नाम है वो हमारा क्या है, आत्म एवं व्यक्तित्व। क्या है? आत्म एवं व्यक्तित्व का संप्रत्यय संस्कृति एवं आत्म संज्ञात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। ये सारे को हम लोग आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, आत्म का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट है सेल्फ का यानी आत्म का। क्या बोला जा रहा है, जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं, प्रत्यक्षण मतलब अनुभव करते हैं, अपने आप को हम अनुभव करते हैं, तथा अपनी क्षमताओं एवं गुणों के संबंध में जो विचार रखते हैं यानी जो हमारे अंदर जो गुण है जो विचार है, हमने अपने संबंध में जो अपने विचार रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसंप्रत्यय या आत्मधारणा भी उसको कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया किसको बोलते हैं आत्म का संप्रत्यय, तो हम लोगों ने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे यानी 2nd पैराग्राफ में क्या भी है, सामान्य परीक्षणों के आधार पर। सामान्य परीक्षण मतलब होता है, परीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी सामान्य ऑब्जर्वेशन के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग अपने विषय में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं अपने विषय में क्या रखते हैं, वो अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं। ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये अलग अलग प्रकार के जो विचार रखते हैं व्यक्ति, तो ये विचार क्या करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी आत्म का प्रतिनिधित्व करता है, उसका सेल्फ का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या है, एक नवजात शिशु की अपने आत्म के संबंध में कोई धारणा नहीं होती है। तो एक नवजात जो शिशु होता है यानी एक नन्हा सा जो बच्चा होता है उसके यानी जो उसका क्या होता है, आत्म के संबंध में कोई धारणा नहीं होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है सेल्फ के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है। जैसे जैसे क्या होता है वो बड़ा होता है, आत्म की धारणा का उत्सर्जन प्रकटीकरण होता है, यानी जैसे जैसे उसकी उम्र में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको जो यानी जो आत्म की जो धारणा है उसका क्या होता है, उत्सर्जन का प्रकटीकरण यानी प्रकट होना शुरू हो जाता है उसका, किसका यानी आत्म का प्रकटीकरण होना शुरू हो जाता है और इसका निर्माण आरंभ हो जाता है। किसका निर्माण आरंभ हो जाता है, यानी आत्म की धारणा का जो निर्माण होता है उसका आरंभ हो जाता है। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में यानी जो आत्म के बारे में उसको स्वरूप देने में किसकी भूमिका रहती है, माता पिता की भूमिका रहती है, मित्रों एवं शिक्षकों एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका रहती है, कि उसको बताता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, ये सारे क्या करते हैं इसकी यानी जो आत्म का जो उसको धारणा यानी जो आत्म का संबंध कराने में कौन सहयोग देता है, यानी माता पिता होते हैं, मित्र होते हैं, उनके शिक्षक होते हैं और जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, ये सारे की लोग की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। चलिए अब देख लेते हम यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या है, आत्म और व्यक्तित्व का अध्ययन। क्या बोला जा रहा है, आत्मा और व्यक्तित्व का अध्ययन अपने आप को और दूसरे को समझने में हमारी सहायता करती है। तो हम लोग आत्मा और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो अध्ययन करते हैं ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे जो सेल्फ है, जो मैं हूँ, और जो दूसरे को समझने में जो हमारी सहायता करता है। एक व्यक्ति का आत्म महत्वपूर्ण दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होता है, यानी जो एक व्यक्ति का जो आत्म होता है वो क्या होता है, आत्म महत्वपूर्ण दूसरों के क्या होता है, साथ जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा विकसित होता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति का क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति का अपना आत्मा एवं समाज के अन्य व्यक्तियों के आत्म में कुछ भिन्न विशेषीकरण होता है, यानी जो अपना जो सेल्फ का जो यानी जो सेल्फ होता है और जो एक समाज में जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनकी आत्म में कुछ भिन्न विशेषीकरण होता है, सबका अलग अलग होता है। इसको व्यक्तिगत अनन्यता एवं सामाजिक अनन्यता के अंतर्गत हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे यानी क्या व्यक्तिगत अनन्यता और सामाजिक अनन्यता से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए यहाँ पर क्या है,
पहला में यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत अनन्यता, यानी क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी से आशय क्या है, व्यक्ति के उस गुणों से है, यानी व्यक्ति के उन गुणों से है जो दूसरों से अलग करते हैं। तो व्यक्तिगत अनन्यता क्या करते हैं, ये दूसरे व्यक्ति से हमें क्या करते हैं, ये अलग करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने नाम जैसा क्या है, मेरा नाम, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरा नाम क्या है, अनमोल अथवा राघव है, अथवा अपनी विशेषताओं जैसे ईमानदार एवं मेहनती हूँ, क्या हूँ मैं अनमोल हूँ या राघव हूँ, और मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ या मेहनती हूँ, अथवा अपनी क्षमताओं जैसे मैं क्या कलाकार अथवा गायक हूँ, यह हमारी क्या है, क्षमता है, कलाकार तो गायक हूँ, अथवा अपने विश्वासों जैसे मैं ईश्वर अथवा नियति में विश्वास रखता हूँ का वर्णन करता है, करती है, यानी लड़का हो या लड़की हो, करता है या करती है, तो वह अपनी व्यक्तिगत अनन्यता को प्रदर्शित करता है। यानी जब हम लोग कब प्रदर्शित करते हैं अपनी व्यक्तिगत अनन्यता को, जब हम बोलते हैं कि मेरा नाम फलाना है, तुम्हारा नाम ये है, मैं ये हूँ, मतलब मैं ईमानदार हूँ या मैं मेहनती हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं क्या ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, तो ये क्या करता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत अनन्यता। चलिए अब देख लेंगे हम लोग सामाजिक अनन्यता किसे बोलते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा में क्या है, सामाजिक अनन्यता से तात्पर्य व्यक्ति के उन 10 यानी उन 10 पक्षों से है जो उसके किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध रखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति यानी सामाजिक अनन्यता में किससे, यानी जो व्यक्ति के उन 10 पक्षों से है जो उसके जो सामाजिक और अथवा सांस्कृतिक समूह से क्या करते हैं, संबंधित रखते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह एक हिंदू है, यहाँ पे सामाजिक अनन्यता में क्या हो जाएगा, यानी मैं इस समाज का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो ये क्या करेगा, यानी सामाजिक अनन्यता को प्रदर्शित करेगा, जैसे कि वह एक हिंदू है अथवा मुस्लिम है, तो यहाँ पे एक सामाजिक अनन्यता पैदा हो रहा है। ब्राह्मण है अथवा आदिवासी है, ब्राह्मण है या आदिवासी है, उत्तर भारतीय है या अथवा दक्षिण भारतीय है, या इस प्रकार की कोई अन्य व्यक्ति यानी वक्तव्य देता है, तो वह अपनी सामाजिक अनन्यता के विषय में रह से जानकारी देता है। तो ये अपने जो अनन्यता के विषय में जानकारी कैसे पता करेंगे, जब कोई बताएगा कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, या मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं आदिवासी हूँ, तो ये सारी चीज़ से हम पता करेंगे ये क्या है, एक सामाजिक अनन्यता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आगे यहाँ पे क्या है, आत्म के प्रकार, यानी काइंड ऑफ सेल्फ। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रकार है आत्म के। फर्स्ट में आपका व्यक्तिगत आत्म होता है, और दूसरा यहाँ पे है सामाजिक आत्म। तो हम लोग दोनों के बारे में यानी डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्यक्तिगत आत्म में यानी इसको बोलते हैं पर्सनल सेल्फ, इसमें एक ऐसा आभास होता है, इसमें कैसा आभास होता है, जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने विषय में ही संबद्ध होने का अनुभव करता है। क्या करता है, अपने विषय में ही संबद्ध होने का अनुभव करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जैविक आवश्यकता है जैविक आत्म को कैसे विकसित करती है। तो हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, जो जैविक आवश्यकताएँ हैं वो कैसे जैविक जो आत्म को विकसित करती है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी इसमें व्यक्तिगत आत्म के एग्जांपल यहाँ पे जैसे क्या हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं, ये आदि किसके एग्जांपल हैं, यानी व्यक्तिगत आत्म के यानी पर्सनल सेफ के उदाहरण है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने व्यक्तिगत आत्म देख लिया, हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे सामाजिक आत्म। किसे बोलते हैं सामाजिक आत्म, इसका स्पष्टीकरण प्रायः दूसरों के संबंध में होता है। तो इसका यानी जो ये होता है स्पष्टीकरण होता है दूसरों के संबंध में होता है, लेकिन हम लोगों ने आत्म के बारे में पढ़ा था तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, जिसके अंतर्गत सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे जीवन के प्रमुख पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो इसमें किसकी ओर आकर्षित किया जाता है ध्यान को, एकता की ओर, सहयोग की ओर, संबंधन की ओर, त्याग की ओर, समर्थन की ओर और भागीदारी की ओर क्या करता है, इसको ध्यान को आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार आत्म परिवार एवं सामाजिक संबंधों को महत्व देता है। इस प्रकार क्या करता है, जो आत्म है वो क्या करता है, परिवार एवं जो सामाजिक संबंध है उसको बहुत ही महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है। अतः इस आत्म को पारिवारिक अथवा संबंधात्मक आत्म के रूप में भी जाना जाता है। तो जो सामाजिक आत्म है उसको किस रूप में भी जाना जाता है, यानी पारिवारिक अथवा संबंधात्मक आत्म यानी रिलेशनल सेल्फ के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। तो क्या क्या पक्ष है आत्म के संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष। चलिए
संसार के प्रत्येक भाग के मनोवैज्ञानिकों ने आत्म के अध्ययन में अभी रुचि दर्शाई है, यानी सबको अपना अपना इंटरेस्ट दर्शाया है किसके रूप में, आत्म के अध्ययन में। इन अध्ययनों के द्वारा व्यवहार के कुछ ऐसे पक्षों को दर्शाया गया है जिनका संबंध आत्म से होता है, यानी उन्होंने कुछ, यानी जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ पक्षों को दर्शाया है जो जिसका संबंध किससे होता है, आत्म से होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे वो कौन सा पक्ष है। चलिए यहाँ पे पहले में आपका है आत्मसम्मान, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इस्टीम। क्या होता है आत्मसम्मान? आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारा जो आत्मसम्मान है एक महत्वपूर्ण अंग है किसका, हमारे आत्म का। मानव के रूप में हम सदैव ही अपने मूल्य अथवा मान तथा अपनी योग्यता के विषय में आकलन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं मानव के रूप में, हम लोग क्या करते हैं अपने मूल्य, हमारा क्या वैल्यू है अथवा हमारा क्या मान है उसकी हम लोग क्या करते हैं योग्यता के विषय में हम लोग आकलन करते हैं। आकलन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यानी क्या करते हैं एस्टिमेशन लगाते हैं, आकलन करते हैं। मानव का अपने संबंध में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान कहलाता है। तो मानव का जो ये अपने संबंध में अपने बारे में ये जो मूल्य निर्णय है ये क्या कहलाता है, आत्मसम्मान कहलाता है, यानी सेल्फ इस्टीम कहलाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया आत्मसम्मान किसे कहते हैं। चलिए अब दूसरा यहाँ पे क्या है, आत्म सक्षमता। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, आत्म सक्षमता हमारे आत्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये भी क्या है, हमारे जो महत्वपूर्ण पक्ष है कौन, आत्म सक्षमता। लोगों का विश्वास इसमें है कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। तो लोगों का जो विश्वास क्या होता है, जो अपना परिणाम है, जो अपना रिजल्ट है, उसको वो स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, ये लोगों का विश्वास है। अथवा इसमें उनके जीवन के परिणाम भाग्य, नियति अथवा अन्य स्थिति पर कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसमें जो उनके जीवन के जो परिणाम भाग्य, नियति अथवा जो अन्य स्थिति पर कारक है किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा तीसरा में यहाँ पे क्या है, आत्मनियमन तथा या आत्मनियंत्रण, यानी हम लोग सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल किसे बोलते हैं देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य रूप में हम जिस तरह भी चाहे अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, तो किसी तरह भी अपने जो बिहेवियर है, अपने जो व्यवहार है, बर्ताव को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। आवश्यकताओं के परितोषण, परितोषण का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरह का हम लोग कह सकते हैं अभी घोष कह सकते हैं, जो तो घोष देते हैं ना उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो आवश्यकताओं के जो परितोषण को विलंबित अथवा स्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हम लोग यानी जो क्या करते हैं किसी को क्या करते हैं घोष देते हैं, तो ये क्या है, हम लोग यानी अपने आत्म का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपने आत्म को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग यानी भ्रष्टाचार में उतर आते हैं। तो ये क्या कहलाता है, यानी जो हमारी जो आवश्यकता है उसको हम लोग क्या करते हैं परितोषण को विलंबित कर देना, यानी डिले कर देना या स्थगित कर देना, करने के व्यवहार को सीखना ही, ये सारा कुछ सीखना ही क्या कहलाता है, आत्मनियंत्रण कहलाता है, यानी सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आत्मनियंत्रण की मनोवैज्ञानिक तकनीक है। तो कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक तकनीक है, आत्मनियंत्रण की यानी सेल्फ कंट्रोल की। चलिए देखेंगे हम लोग भारतीय सांस्कृतिक यानी भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हमें कुछ ऐसे प्रभावपूर्ण उपाय प्रदान करती है जिनके द्वारा आत्मनियंत्रण विकसित होता है। तो कुछ यानी बहुत भी महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण क्या है उपाय है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं। जैसे उदाहरण अर्थ व्रत रखना, यह क्या करता है व्रत रखना, ये भी क्या करता है जो हमारी क्या है यानी हमको सेल्फ कंट्रोल करता है, यानी हमारा जो आत्मा को नियंत्रण करता है। एवं व्रत रखना एवं क्या होता है सांसारिक वस्तुओं के प्रति क्या करना त्याग का भाव रखना, ये सारे हमको क्या करते हैं आत्मनियंत्रण में सहयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक एक करके यहाँ पे क्या है आत्मनियंत्रण हेतु, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आत्मनियंत्रण हेतु विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकें प्रदर्शित की गई है। बहुत सारी तकनीकें प्रदर्शित की गई है मनोवैज्ञानों के द्वारा अपने व्यवहार का परीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार का परीक्षण एक तकनीक है। तो हम जो हमारा जो व्यवहार है उसका जो परीक्षण करना यानी ऑब्जर्वेशन करना है, ये क्या है एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं जिसके द्वारा आत्म के अनेक पक्षों को परिमर्जित आत्म के द्वारा अनेक पक्षों को परिमर्जित मतलब होता है मॉडिफाई करना, यानी मॉडिफाइड परिवर्तित अथवा सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। चलिए हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे क्या देख लिया था, यानी कौन सा क्या देखा, एक तकनीक देखा, कौन सा तकनीक देखा हम लोगों ने, यानी अपने व्यवहार का परीक्षण, ये भी एक क्या है यानी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरे में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आत्म अनुदेश क्या है, यहाँ पे आत्म अनुदेश यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन एक दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है।
ये भी एक क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है, एक हम लोगों ने देख लिया था। हम सदैव अपने आप को कुछ करने तथा इच्छित ढंग से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सदैव हमें हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को कुछ करने के तथा जो इच्छित ढंग से यानी जो इच्छा के अनुसार करने से यानी इच्छा से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं, आदेश देते हैं। ऐसे अनुदेश आत्मनियमन कहलाता है। जो ऐसा अनुदेश है वो क्या कहलाता है, आत्मनियमन। नियमन में क्या होते हैं, वो प्रभाव पूर्ण होते हैं, प्रभाव डालते हैं। किसमें, आत्मनियमन में। चलिए अब हम लोग तीसरा में देख लेते हैं। तीसरा तकनीक क्या है, आत्म प्रबलन यानी सेल्फ री इन्फोर्समेंट। क्या बोलते हैं, सेल्फ री इन्फोर्समेंट एक तीसरी तकनीक है। ये क्या है, तीसरी तकनीक है। हम लोगों ने एक पहला दूसरा देख लिया। ऐसे व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है, यानी इस तीसरी तकनीक में क्या किया जाता है, ऐसे व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है जिनके परिणाम सुखद होते हैं। जिनके परिणाम क्या होते हैं, सुखद होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। उदाहरण अर्थ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। यदि आपने अपनी परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया, यानी क्या किया, अच्छा निष्पादन किया है, तो आप अपने दोस्तों को के साथ क्या फिल्में देखने जा सकते हैं। यानी अगर आपने अपनी परीक्षा में अच्छा किया, अच्छी तरह से लिखा, अच्छी तरह से अपने एग्जाम दिया, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों को साथ फिल्म देखने जाते हैं। ये तकनीक है प्रयोग में लाकर आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण के संदर्भ में अत्यंत प्रभाव मानी गई है। जो ये तकनीक है यानी किसमें, आत्मनियमन में और आत्मनियंत्रण में बहुत ही यानी जो अत्यंत प्रभावी मानी गई है। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कौन तीन तकनीक देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, संस्कृति एवं आत्म, कल्चर एंड सेल्फ देख लेते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में आत्मा का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे जो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में जो आत्मा है, वो आत्मा का जो विश्लेषण है, वो अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है। जो पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है यानी वेस्टर्न, जो सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं, यानी जो वेस्टर्न सांस्कृतिक होते हैं उससे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं हमारी भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ के संदर्भ में आत्म। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, यानी इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे वो सारे को हम लोगों ने आज देख लिया। तो इसी के साथ जो हमारा सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है पार्ट वन में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पार्ट टू में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई यानी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपको हर हाल में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में यानी जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है, ताकि आप क्लास को टाइम पर अटेंड कर सकें। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।